दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अक्सर ये देखा गया है कि एक्टर की तुलना में एक्ट्रेस अपने अभिनय करियर को अधिक समय तक कैरी नहीं कर पाती है और फिर शादी के बाद फिल्मी दुनिया से लगभग दूर हो जाती है और अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे दर्शक भी उन्हें भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने फिल्मी दुनिया में दस्तक तो बहुत जल्दी दिया और लगभग एक दशक के बाद फिल्मी दुनिया से दूर भी हो गई, लेकिन एक मॉडल और अभिनेत्री के तौर पर उसने बहुत नाम कमाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1993 में मिस फेमिना का खिताब जीतने वाली मशहूर अदाकारा नम्रता शिरोडकर के बारे में, जिन्होंने एक मॉडल और अभिनेत्री के तौर पर लोगों के बीच काफी प्रसिद्धि बटोरी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से शुरुआत करने के बाद जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तब उन्होंने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया और हर जगह नाम कमाया, लेकिन अपने अभिनय करियर के पीक पर होते हुए भी उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही वो क्यों फिल्मों से दूर हो गई इसके बारे में भी बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। उनका जन्म 22 जनवरी साल 1972 को माया नगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने मीठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अमृत जीवन लाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आपको बता दें कि वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू करने का फैसला किया और धीरे धीरे वो मॉडलिंग में बहुत फेमस होती गईं। साल 1993 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स और फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, उन्होंने अभिनय करियर में भी किस्मत आजमाने की सोची और अपने अभिनय के दम पर वो फिल्मी दुनिया में सफल भी रहीं। उन्होंने साल 1998 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वो दीपक सरीन द्वारा निर्देशित फिल्म जब प्यार किसी से होता है में दिखाई दी, लेकिन कहा जाता है कि साल 1997 में एक हिंदी भाषा की फिल्म पूरब की लैला पश्चिम का छैला में उन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म में देरी होने के कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। वो फिल्म उनकी पहली फिल्म होने वाली थी। इसके अलावा उन्होंने साल 1977 में एक बाल कलाकार के रूप में शिरडी के साई बाबा में एक छोटा सा किरदार निभाया था। हालांकि मूल रूप से उनकी पहली फिल्म का श्रेय साल 1998 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है को ही दिया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया था। एक प्रसिद्ध मॉडल होने की वजह से निर्देशक दीपक सरीन ने उन्हें इस फिल्म में अभिनय करने का ऑफर दिया, जिसे नम्रता ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसमें एक सहायक भूमिका निभाई। फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना दिखाई दिए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 3 गुना की कमाई करने में सफल रही। दोस्तों, अपनी पहली फिल्म में एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर नम्रता ने अच्छा अभिनय किया था, जिसके चलते उन्हें उसी साल 1998 में ही एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म का शीर्षक था मेरे दो अनमोल रतन, जिसे के रविशंकर ने निर्देशित किया था, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और फिल्म को लिखने का श्रेय अभिनेता कादर खान को दिया जाता है। फिल्म में अभिनेता अरशद वारसी और मुकुल देव, नरेंद्र मल्होत्रा और सुरेंद्र मल्होत्रा की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर और कादर खान भी दिखाई दिए। नम्रता ने फिल्म में किरण की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अपनी पहली और दूसरी फिल्म से वो दर्शकों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरने में कामयाब हुई। इसके बाद उन्हें फिल्मों के लगातार ऑफर आने लगे। साल 1999 में वो फिल्म कच्चे धागे में दिखाई दी, जिसे मिलन लुथरिया ने निर्देशित किया था, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में अजय देवगन और सैफ अली खान नजर आए, जिसमें दोनों ने मिलकर शानदार अभिनय किया। उनका साथ मनीषा कोइराला और नम्रता शिरोडकर ने निभाया। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया, जैसे सदाशिव अमरापुरकर, गोविंद नामदेव, अनुपम श्याम, विनित कुमार। फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो दर्शकों द्वारा उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसके चलते फिल्म पर्दे पर हिट रही। इस फिल्म ने नम्रता के अभिनय करियर को एक स्टेप आगे लेकर जाने का काम किया, जिसके चलते उन्हें उसी साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म वास्तव में कास्ट किया गया। इस फिल्म की पटकथा लिखने और इसे निर्देशित करने का काम महेश मांजरेकर ने किया था, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। इसमें संजय दत्त ने रघुनाथ उर्फ रघु के रूप में दमदार अभिनय किया था। उनके साथ नम्रता सोनिया उर्फ सोनू के रूप में दिखाई दी। फिल्म में कई अन्य कलाकार शामिल थे, जैसे संजय नार्वेकर, मोहनीश बैल, एकता सोहिनी, शिवाजी साटम और रीमा लागू। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई, जिसने दर्शकों को घर से बाहर निकलकर फिल्म देखने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों ने फिल्म को बहुत प्यार दिया। हालांकि फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ नम्रता का नाम जोड़े जाने लगा था, लेकिन नम्रता ने इसको अफवाह करार दिया।
फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उन्होंने साल 2000 में बैक टू बैक तीन फिल्मों में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों में से एक रहीं। उन तीन फिल्मों के शीर्षक हैं पुकार, हेराफेरी और आगाज, जिसमें उनके अभिनय को काफ़ी सराहना मिली। इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में नजर आईं। साल 2004 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म में अभिनय किया जिसका शीर्षक था रोक सको तो रोक लो। उन्होंने हिंदी भाषा के साथ कन्नड़, मराठी, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया है। आपको बता दें कि अभिनय छोड़ने के बाद वो साल 2022 में फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा नजर आईं, लेकिन इस बार अभिनय करते नहीं बल्कि एक निर्माता के रूप में। 2022 में उन्होंने अपने पति और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर एक फिल्म का निर्माण किया जिसका शीर्षक है मेजर, जो कि एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी और असल जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म को तेलुगु और हिंदी दो भाषाओं में रिलीज किया गया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। उनके पति का नाम महेश बाबू है। ये वही महेश बाबू हैं जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है। नम्रता ने 10 फरवरी साल 2005 में उनसे शादी रचाई थी। साल 2000 में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग होने के बाद महेश और नम्रता ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और फिर फाइनली दोनों ने शादी कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बिजनेसमैन दीपक शेट्टी के साथ अपने करियर की शुरुआती दिनों के बाद डेटिंग करना शुरू कर दिया था जो करीब 9 सालों तक चला। इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर लिया था और कहा जाता है कि उसके बाद दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों की शादी नहीं हो पाई। दोस्तों, नम्रता के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम गौतम घट्टा मनीनी है जिसका जन्म साल 2006 में हुआ था, वहीं पर उनकी बेटी का नाम सितारा घट्टा मनीनी है जिनका जन्म साल 2012 में हुआ था। हालांकि इसके अलावा दोनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनके सगे संबंधियों की बात करें तो उनके पिता का नाम नितिन शिरोडकर है जो कि एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर थे। साल 2007 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी माता का नाम वनीता शिरोडकर है, वो एक पूर्व भारतीय मॉडल थी। साल 2008 में उनका भी निधन हो गया। इसके अलावा उनकी दादी माँ मीनाक्षी शिरोडकर मराठी फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बहन है जिनका नाम शिल्पा शिरोडकर है, वो भी एक अभिनेत्री हैं। उनके पति का नाम अपरेश रंजीत है। दोनों की एक बेटी है जिनका नाम अनुष्का रंजीत है। वहीं पर उनके ससुर की बात करें तो उनका नाम कृष्णा था जो कि एक फिल्म अभिनेता थे। 15 नवंबर साल 2022 में उनका निधन हो गया, जबकि उनकी सास इंदिरा देवी थी जिनका 28 सितंबर साल 2022 को बीमारी से ग्रसित होने की वजह से निधन हो गया था। वहीं पर उनकी सौतेली सास का नाम विजया निर्मला है जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री थी। साल 2019 में उनका भी निधन हो गया था। बात करें नम्रता के पति महेश बाबू की भाई की तो उनका नाम रमेश बाबू था जो कि एक अभिनेता थे, लेकिन 8 जनवरी साल 2022 में उनका भी निधन हो गया। दोस्तों, फिल्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें कई फिल्मों में शानदार अभिनय प्रदर्शन के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने दमदार अदाकारी से सभी को प्रभावित करने का काम किया और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन जब उन्होंने शादी किया तो उसके बाद ही उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। हिंदी भाषा की फिल्मों में उन्होंने जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि अब वो अपने पति के साथ हैदराबाद में ही रहती हैं। वर्तमान में वो लगभग 51 साल की हो चुकी हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।